हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, और जैसे कि आप लोग जानते हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हम लेकर चल रहे थे, उसी में हमने जो हम अपना सैंपल पेपर लेके चल रहे थे उसमें हमने क्या देखा कि बहुत सारी नेम रिएक्शन आ रही है। 2023 का हमने प्रश्न पत्र देखा था उत्तराखंड बोर्ड का, उसमें भी हमने कई सारी नेम रिएक्शन देखी थी। तो उसी श्रृंखला में हम इम्पॉर्टेंट जो नेम रिएक्शंस आती हैं उनको लेकर के चल रहे थे, ठीक है। तो क्या क्या इम्पॉर्टेंट नाम से आपके अभिक्रियाएं आती है, जिसमें सैंडमेयर रिएक्शन, गार्टरमैन, फिंकलस्टीन, स्वार्ट्ज रिएक्शन, वुड्स, वुड्स फिटिक, फिटिक, फ्रीडल क्राफ्ट, एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, रीमर टीमैन, कॉलबेज रिएक्शन, रोजन मुंड रिडक्शन, स्टीफन रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन, गार्टरमैन कोक रिएक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन, वोल्फ किचनर रिडक्शन, टॉलेंस टेस्ट, टेस्ट फेलिंग टेस्ट, एल्डोल रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो रिएक्शन, कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, हेल वोलार्ड जिलेस्की रिएक्शन, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, कार्बिलामीन रिएक्शन, हिंस बॉर टेस्ट एंड कपलिंग रिएक्शन, ठीक है ना। तो इतनी सारी अभिक्रियाएं यहाँ पर हैं जिनको हमने पढ़ना था। इनमें से कुछ अभिक्रियाएं हमने देख ली थी, कुछ मैंने आपको होमवर्क में दी थी जिनको आपने पढ़ के आना था एक बार, फिर हम उस पर बात करते हैं। तो आज इस वाले सेशन में हम सारी नेम रिएक्शन को एक साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि हमने आधे से ज्यादा आपकी रिएक्शंस पढ़ ली हैं अच्छे से, तो उनको बस एक एक बार हमें रिवाइज करना है। जैसे सैंडमेयर रिएक्शन है, तो सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है, एरिल हैलाइड को प्राप्त करने की अभिक्रिया, यानी बेसिकली आपका क्या बनाया जा रहा है, एराइल हैलाइड बनाया जा रहा है, ठीक है ना। और बन किससे रहा है आपका, एनिलीन से बन रहा है। तो द सैंडमेयर रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन व्हिच इज यूज्ड टू सिंथेसाइज एराइल हैलाइड्स फ्रॉम एराइल डाई एजोनियम सॉल्ट, ठीक है ना। एराइल डाई एजोनियम सॉल्ट से एराइल हैलाइड को प्राप्त किया जाता है। दिस रिएक्शन इज अ मेथड फॉर सब्स्टिट्यूशन ऑफ एन एरोमेटिक अमीनो ग्रुप बाय प्रिपेयरिंग डाई एजोनियम सॉल्ट दैट इज फॉलोड बाय इट्स डिस्प्लेसमेंट एंड कॉपर सॉल्ट ऑफन कैटलाइज इट, ओके। तो इस तरह से आपकी रिएक्शन हो रही है जहां पर एराइल हैलाइड बन रहा है, डाइएजोनियम सॉल्ट आपका बीच में फॉर्म होता है। ये पूरी रिएक्शन आपने देखी थी। इसके अलावा फिंकलस्टीन रिएक्शन पर हम लोगों ने बात की थी, जो कि आपका एक एल्काइल हैलाइड को एल्काइल हैलाइड से ही बनाने की अभिक्रिया है, इसको फिंकलस्टीन रिएक्शन कहा जा रहा था। और कौन सा एल्काइल हैलाइड बन रहा था आपका, एल्काइल आयोडाइड से अभिक्रिया में बनता है, और किससे बनता है, एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड से इसको बनाया जाता है, ओके। सो इन द रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन और इन द फिंकलस्टीन रिएक्शन, एल्काइल आयोडाइड्स आर प्रिपेयर्ड इजीली बाय द रिएक्शन ऑफ एल्काइल क्लोराइड्स एंड ब्रोमाइड्स विद सोडियम आयोडाइड इन ड्राई एसीटोन, ठीक है ना। तो बेसिकली होता क्या है, किसी भी एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड की अभिक्रिया जब सोडियम आयोडाइड से कराई जाती है ड्राई एसीटोन यानी शुष्क एसीटोन की प्रेजेंस में, तो आपका संगत एल्काइल आयोडाइड बनते हैं, और साथ में आपका क्या बन रहा है, NaCl बन रहा है। क्योंकि अगर यहाँ पर आपने क्या लिया होगा, कोई क्लोराइड लिया होगा तो NaCl बनेगा, ब्रोमाइड लेंगे तो NaBr बनेगा। तो इस तरह से आपकी ये अभिक्रिया होती है। इसी की तरह आपकी स्वार्ट्ज रिएक्शन भी है। स्वार्ट्ज में आप क्या करते हैं, फ्लूराइड्स को बनाते हैं, ठीक है। जैसे फिंकलस्टीन में आपने क्या बोला, आयोडाइड को बना रहे हैं, यहाँ पर आप क्या बनाएंगे, फ्लोराइड को बनाएंगे, और बना किससे रहे हैं, वही एल्काइल या क्लोराइड या ब्रोमाइड से बना रहे हैं, ओके। तो जब एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड की अभिक्रिया धात्विक फ्लोराइड की उपस्थिति के साथ कराई जाती है, उसकी उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तो आपके एल्काइल फ्लोराइड बनते हैं। तो बेसिकली यानी जो Br था, जैसे यहाँ पर हमने मिथाइल ब्रोमाइड लिया है, उसका सिल्वर फ्लोराइड के साथ रिएक्शन कराया जा रहा है, तो ये जो फ्लोरीन है धात्विक फ्लोराइड में, जो फ्लोरीन है, फ्लोराइड आयन है, वो यहाँ ब्रोमाइड के स्थान पर आ जाएगा, और ब्रोमाइड आपका कहाँ चला जाएगा, सिल्वर के साथ चला जाएगा। तो इस तरह से आपकी धात्विक फ्लोराइड आपको से अभिक्रिया कराने पर आपको एल्काइल फ्लोराइड प्राप्त हुआ, ठीक है ना। तो ये स्वार्ट्ज की अभिक्रिया थी। देन वुड्स अभिक्रिया, वुड्स अभिक्रिया आपकी क्या है, एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया है। जब एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ कराई जाती है ड्राई इथर की प्रेजेंस में, तो उस केस में आपका एक हाइड्रोकार्बन बनता है और साथ में आपका NaX बन रहा है, ओके। तो एल्किल हैलाइड शुष्क इथर की उपस्थिति में सोडियम से अभिक्रिया करके हाइड्रोकार्बन उत्पन्न करते हैं, यही वुड्स की अभिक्रिया है, ओके। चलिए
देन आपका यहाँ पर था फिटिग रिएक्शन. फिटिग की रिएक्शन क्या है, जब आपका कोई एराइल हेलाइड है उसकी अभिक्रिया कराई जाएगी सोडियम के साथ ड्राई इथर की प्रेजेंस में. सेम वुड्स वाली अभिक्रिया है, वुड्स में आपने एल्काइल हेलाइड लिया था, यहाँ पर आप एराइल हेलाइड लेंगे. ओके, तो उस एराइल हेलाइड से कराने पर क्या होता है, आपको डायफिनाइल प्राप्त होगा, यानी दो फेनिल फिनाइल रिंग या दो बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाएंगे और साथ में NaX बन रहा है. अब एक आती है वुड्स फिटिक की रिएक्शन. तो आपने क्या बोला, वो जो दो मॉलिक्यूल हम वहां एराइल हेलाइड के ले रहे थे फिटिक में और एल्काइल हेलाइड के ले रहे थे किसमें, वुड्स में, उनमें हम क्या करेंगे, एक एक मॉलिक्यूल ले लेंगे दोनों का, यानी एक एल्काइल हेलाइड और एक एराइल हेलाइड. तो उन दोनों की अभिक्रिया जब आप सोडियम के साथ कराएंगे ड्राई इथर की प्रेजेंस में, तो आपका ये एल्काइल समूह जो है यहाँ पर एल्काइल हेलाइड में, वो इस स्थान पर यानी बेंजीन रिंग पर आ जाएगा, एल्काइल एरीन आपका बनेगा और साथ में जैसे यहाँ पर NaCl अलग हो रही है क्योंकि क्लोरो बेंजीन और मिथाइल क्लोराइड लिया गया था. ओके, तो ये अभिक्रिया क्या है, क्योंकि वुड्स और फिटिक की अभिक्रिया को मिलाकर आपने एक अभिक्रिया बनाई है या इस प्रकार से आपने रिएक्शन करवाई है, तो इसको वुड्स फिटिक अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है. ओके, देन यहाँ पर हमने फ्रीडर क्राफ्ट एल्काइलेशन की बात की थी. ठीक है, तो फ्रीडर क्राफ्ट एल्काइलेशन में आपका क्या होता है, बेंजीन की एल्काइल हैलाइड से अभिक्रिया कराने पर एल्काइल बेंजीन बनते हैं, इसी को आपका क्या कहा जाता है, फ्रीडर क्राफ्ट एल्काइलेशन कहा जाता है. ठीक है, तो एल्काइल हैलाइड की प्रेजेंस में अभिक्रिया हो रही है. देन फ्रीडर क्राफ्ट एसाइलेशन में आप क्या करेंगे, एक आपका एसाइल हैलाइड लेंगे. ओके, और उस एसाइल हैलाइड से एरोमेटिक कंपाउंड जैसे बेंजीन की अभिक्रिया करा रहे हैं, तो एसाइल ग्रुप आपका कहाँ जुड़ जाएगा, बेंजीन पर जुड़ जाएगा. ये आपकी क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन. वी गेट एसाइल बेंजीन व्हेन एन एसाइल हैलाइड इज रिएक्टेड विद बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड. ओके, तो ये आपकी अभिक्रिया है. देन रीमर टीमैन रिएक्शन, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, बेंजल्डिहाइड को बनाने जो आप पढ़ते हैं फिनॉल की रासायनिक अभिक्रियाओं में इसको पढ़ेंगे, या एल्डिहाइड को प्राप्त करने की अभिक्रिया भी है एक, और किस प्रकार का आपका एल्डिहाइड बन रहा है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बन रहा है. ठीक है ना, और फिनॉल की रासायनिक अभिक्रिया, तो फिनॉल आपके पास प्राइमरी रिएक्टेंट है आप बोल सकते हो, और उससे आपका क्या बन रहा है, यहाँ पर सैलिसिल आपका एल्डिहाइड बन रहा है. ठीक है ना, तो होता क्या है इसमें, क्लोरोफॉर्म को, ये क्लोरोफॉर्म है आपका, सांद्र KOH और NaOH तथा फिनॉल के साथ गर्म करने पर सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है, दैट इज योर ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड. ऑर्थो पोजिशन में हाइड्रोक्सी ग्रुप है आपका और ये बेंजल्डिहाइड हो गया. ठीक है ना, तो इस तरह से आपका ये कंपाउंड बन रहा है, इसी को रीमर टीमैन रिएक्शन कहा जाता है. ठीक है ना, देन कॉलवेज रिएक्शन. कॉलवे रिएक्शन में क्या होता है, जब फिनॉल की अभिक्रिया, ये भी फिनॉल की रासायनिक अभिक्रियाओं में आएगा, जब फिनॉल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो सोडियम फिनोक्साइड बनता है. ठीक है ना, देन सोडियम फिनोक्साइड को जो कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल या सैलिसिलिक एसिड भी आप इसे कहते हैं, ये आपको मिलता है. ठीक है, तो ये क्या हो गई, कॉल्बे की रिएक्शन हो गई. तो देखो थोड़ा सा ही अंतर है रीमर टीमैन में और कॉल्बे में, ये भी फिनॉल की अभिक्रिया है जो आप क्षार के साथ करा रहे हैं, क्लोरोफॉर्म के साथ करा रहे हैं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड दे रहे हैं. ठीक है ना, और यहाँ पर आप सेम NaOH से करा रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करा रहे हैं, और यहाँ पर ऑर्थो पोजिशन में वही है हाइड्रोक्सी ग्रुप, लेकिन आपका मेन अब क्या हो गया है, बेंजोइक एसिड हो गया है. ठीक है, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या फिर जिसे आप क्या कहते हैं सैलिसिलिक एसिड, वो आपको यहाँ पर प्राप्त होता है. ठीक है ना, देन नेक्स्ट है आपका रोजनमुंड रिडक्शन. रोजनमुंड अपचयन में क्या होता है, द कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ एसिड क्लोराइड अलाउ द फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड. ये एल्डिहाइड को बनाने की अभिक्रिया है. यहाँ पर हो क्या रहा है, आपका पैलेडियम या बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में एसिड क्लोराइड या एसाइल क्लोराइड का अपचयन कराने पर एल्डिहाइड बनता है. ठीक है, तो ये आपके पास एक एसाइल क्लोराइड है जिसको आप पैलेडियम हो गया, आपका बेरियम सल्फेट हो गया, इनकी प्रेजेंस में अभिक्रिया करा रहे हो, तो RCHO एक एल्डिहाइड आपको प्राप्त हो रहा है और साथ में HCl आपकी अलग हो जाती है. तो बेंजल्डिहाइड को बनाने की अभिक्रिया है जिसको रोजनमुंड रिडक्शन आप यहाँ पर कह रहे हैं. ओके, देन स्टीफन रिएक्शन है नेक्स्ट. स्टीफन रिएक्शन में एल्काइल साइनाइड का अपचयन कराया जाएगा आपका SnCl2 + HCl से,
जल अपघटन करने पर यहाँ पर जल अपघटन होगा, उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, ये RCHO यानी कि एक एल्डिहाइड प्राप्त होगा, तो ये भी आपका एल्डिहाइड को बनाने की अभिक्रिया है, जिसको स्टीफन या स्टीफन रिएक्शन आपका कहा जाता है. ओके चलिए नेक्स्ट है आपका इटार्ड रिएक्शन. इटार्ड रिएक्शन भी बेंजल्डिहाइड को बनाने की अभिक्रिया है. ठीक है, क्रोमाइन क्लोराइड ऑक्सीडाइजेस मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट इन टोल्यूइन टू गेट क्रोमियम कॉम्प्लेक्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोवाइड कॉरेस्पॉन्डिंग बेंजल्डिहाइड. ठीक है ना, आपके पास क्रोमाइन क्लोराइड होगा जो कि क्या करेगा, टोल्यूइन में प्रेजेंट मिथाइल ग्रुप को ऑक्सीडाइज करेगा और उसके बाद आपका क्रोमियम कॉम्प्लेक्स प्राप्त होगा पहले स्टेप में. देन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस, जिसका हाइड्रोलिसिस होगा तो उसके बाद कॉरेस्पॉन्डिंग आपको बेंजल्डिहाइड वहां पर प्राप्त होगा. तो इटार्ड रिएक्शन भी आपका एल्डिहाइड को बनाने की ही अभिक्रिया है यहाँ पर. देन नेक्स्ट है आपका गार्टम एंड कोच रिएक्शन. नेक्स्ट है आपका गार्टम एंड कोच रिएक्शन. सारी रिएक्शन आपने पहले देख रखी है, पढ़ रखी है. ठीक है, हम सिर्फ क्विक रिविजन ले रहे हैं इन रिएक्शन. ओके, बेंजीन इज ट्रीटेड विद कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड टू गिव बेंजल्डिहाइड. ठीक है, क्या होता है आपका निर्जल AlCl3 एनहाइड्रस जिसे बोला जा रहा है, ठीक है, उसकी उपस्थिति में बेंजीन की अभिक्रिया किससे कराई जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के मिश्रण से कराई जाएगी. इससे कराने पर आपका क्या होता है, बेंजल्डिहाइड बनता है. यही गार्टम एंड कोच की रिएक्शन, ठीक है ना, गार्टम एंड कोच या गार्टम एंड कोच अभिक्रिया इसको कहा जाता है. देन क्लेमेंसन रिडक्शन हम लोगों ने देखा था, जिसमें जब एल्डिहाइड व कीटोन को जिंक अमलगम व सांद्र HCl के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो वहां पर आपको क्या दिख रहा है, वे अपने संगत हाइड्रोकार्बन देते हैं. ठीक है ना, तो संगत हाइड्रोकार्बन देंगे जिनमें कि आपका क्या होगा, सी डबल बॉन्ड ओ की बात आप लोग कर रहे हो, तो यहाँ पर ये आपका सी डबल बॉन्ड ओ होगा, जैसे कि कीटोन में भी है आपका यहाँ पर, और साथ ही किसमें है, एल्डिहाइड में भी है. कार्बोनिल ग्रुप जिसकी आप बात करते हैं ना, तो उस कार्बोनिल ग्रुप को आप क्या कर रहे हैं, यहां से हटा रहे हैं और इस ऑक्सीजन की जगह पर आपका क्या आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है. बस यही आपकी क्या है, अपचयन रिडक्शन हो रहा है ना, तो रिडक्शन में क्या होगा, ऑक्सीजन हटता है या हाइड्रोजन आपकी ऐड होती है, तो यही आपका रिडक्शन है. तो रिडक्शन में आपको फिर उसके संगत कोई भी हाइड्रोकार्बन प्राप्त होगा. जैसे यहां पर आपका क्या था, CH3CHO था, ठीक है, जिसको आप इथेनॉल बोल सकते हो, एसिटाल्डिहाइड आप बोल सकते हो, उसकी जब जिंक और HG की प्रेजेंस में, कॉन्सेंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में अभिक्रिया कराई जा रही है या रिडक्शन उसका कराया जा रहा है, तो ये ऑक्सीजन यहाँ से हट गई है और यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया है, तो इस तरह से आपका CH3CH3 एक जो हाइड्रोकार्बन है, इथेन जिसे आप कहते हैं, वो आपका प्रोड्यूस हो रहा है. ठीक है, तो ये क्या हो गया, क्लेमेंसन अपचयन है आपका, जो बेसिकली है क्या, एल्डिहाइड या कीटोन को की रासायनिक गुणों में आप इसको पढ़ते हैं. ठीक है ना, इसके बाद हमने बात की थी टॉलरेंस टेस्ट की. टॉलरेंस टेस्ट बेसिकली क्या है, हीटिंग एन एल्डिहाइड विद फ्रेश प्रिपेयर्ड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन प्रोड्यूसेस अ ब्राइट सिल्वर मिरर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मेटल. ठीक है, तो एल्डिहाइड की जब आप लोग लैब में भी प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे थे, वहां पर भी मैंने आपको बताया था, एल्डिहाइड की प्रेजेंस का पता करने के लिए आप टॉलरेंस टेस्ट लगाते हैं, तो ये वही वाला टेस्ट है, उसी की अभिक्रिया है. देन फेलिंग टेस्ट भी वही है, फेलिंग ए और बी दो सोल्यूशन आपको मिलता है, फेलिंग नंबर वन और फेलिंग नंबर टू भी लिखा रहता है उन रिएजेंट बॉटल में, तो दोनों को मिक्स करके आप फेलिंग का एक सोल्यूशन बनाते हैं और उसका यूज करेंगे. ठीक है, तो फेलिंग सोल्यूशन आपका एक्चुअल में है क्या, एक्वस कॉपर सल्फेट है एंड फेलिंग सोल्यूशन बीज एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट. ओके, आर मिक्स इन इक्वल अमाउंट, दोनों को ए को भी और बी को भी आप इक्वल अमाउंट में मिक्स करेंगे, जिससे आपका क्या बनेगा, फेलिंग सोल्यूशन जिसे आप बोल रहे हो, जिसका यूज करेंगे. बिफोर द टेस्ट एंड अ रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन्ड व्हेन एन एल्डिहाइड इज हीटेड विद फेलिंग्स रिएजेंट. आपने क्या किया, जो आप एक्वस कॉपर सल्फेट की बात कर रहे हैं एंड सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट की बात कर रहे हैं, दोनों फेलिंग सोल्यूशन ए और फेलिंग सोल्यूशन बी को मिक्स कर देंगे, जो फेलिंग रिएजेंट आपका बनेगा उसमें आप वो गिवन कंपाउंड ऐड करते हैं, और अगर वो बेंजल्डिहाइड, अगर वो कोई एल्डिहाइड है, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, अ रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट इज फॉर्म, वहां पर एक लाल भूरे रंग का अवक्षेप प्राप्त होगा, तो वो कंफर्म हो गया है कि वो एल्डिहाइड है कोई, क्योंकि वो फेलिंग टेस्ट दे रहा है. ठीक है ना, तो ये टॉलरेंस टेस्ट हो गया, फेलिंग टेस्ट आप वहीं लगाते हैं, तो वही इक्वेशन है
देन नेक्स्ट है आपका एल्डोल रिएक्शन, एल्डोल अभिक्रिया जिसे आप कहते हैं, ऐसे एल्डिहाइड व कीटोन की अभिक्रिया है जहां पर अल्फा हाइड्रोजन आपका उपस्थित रहता है। जब उसकी किसी डाइल्यूट बेस के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो अभिक्रिया कराने पर आपका क्या होता है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आपको देते हैं या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन आपका बनता है। क्लियर है? सो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन हैविंग वन अल्फा हाइड्रोजन, जिसके पास क्या है, एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन है। वन अल्फा हाइड्रोजन मींस एक तो आपका वो वाला कार्बन है जिससे आपका फंक्शनल ग्रुप जुड़ा रहता है, और उससे नेक्स्ट जो कार्बन होता है दैट इज योर अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जुड़ने वाला हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। ठीक है ना? तो वही अल्फा हाइड्रोजन वहां पर उपस्थित होना चाहिए, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये आपका कार्बन है, ये फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है, इसके नेक्स्ट जो कार्बन है दिस इज योर अल्फा कार्बन, और उससे हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो यानी अल्फा हाइड्रोजन आपके उपस्थित है। देन आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, आप ले रहे हो दोनों सेम कंपाउंड, ठीक है, दो मॉलिक्यूल ले रहे हैं जिनमें भी अल्फा आपका हाइड्रोजन उपस्थित है, ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन, उनके आप दो मॉलिक्यूल ले रहे हैं, और बेसिकली होता क्या है, ये दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं एल्डोल रिएक्शन में, और तब आपका क्या बनता है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनता है। ठीक है ना? बीटा, ये अल्फा कार्बन था आपका, ये बीटा कार्बन हो गया, बीटा कार्बन पे OH ग्रुप आ गया, दैट इज अ बीटा हाइड्रोक्सी। ठीक है? और है तो ये आपका एक एल्डिहाइड है, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आपका बन गया। इसी तरह से बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन भी बनेगा। आपको पता है हाइड्रोक्सी जो ग्रुप होता है उसकी वरीयता कम होती है एज कम्पेयर टू एल्डिहाइड। ठीक है? तो इसीलिए इसको हम पहले पढ़ रहे हैं, बीटा हाइड्रोक्सी बोला है तो ये आपका प्रीफिक्स में जा रहा है। देन आपका नेक्स्ट है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में आप बेसिकली क्या करते हैं, दो अलग अलग एल्डिहाइड या दो अलग अलग कीटोनों की अभिक्रिया कराते हैं, भिन्न भिन्न एल्डिहाइड लेंगे। अभी तो आपने सेम एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल लिए थे दो, देखिए यहाँ पर आपने सेम एल्डिहाइड लिए थे दोनों, ठीक है, तब आपने अभिक्रिया कराई थी, उसको एल्डोल आपने अभिक्रिया बोला। क्रॉस एल्डोल में क्या करेंगे आप, ये तो आप एक मॉलिक्यूल किसी और एल्डिहाइड का लेंगे, दूसरा मॉलिक्यूल किसी और एल्डिहाइड का लेंगे, जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, एसिटाल्डिहाइड या इथेनॉल जिसे कह रहे हैं और प्रोपेनॉल, दोनों के बीच में अभिक्रिया कराई है, दोनों एल्डिहाइड, तो भिन्न भिन्न एल्डिहाइड की अभिक्रिया जब आप किसके साथ करा रहे हो, उस क्षार के साथ करा रहे हो, तब आपको चार प्रकार के प्रोडक्ट यहाँ पर अलग अलग मिलते हैं। ठीक है ना? तो जब दो भिन्न भिन्न एल्डिहाइड व कीटोन के मध्य एल्डोल संघनन होता है, वो अभी भी एल्डोल वाली अभिक्रिया रही है, अगर वो एल्डोल संघनन कराया जाता है तो इसे क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं, और यहाँ पर आपको फोर टाइप के प्रोडक्ट्स दिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है ब्यूट टू इन अल या ब्यूट टू इनल आप इसे कहेंगे, दूसरा है टू मिथाइल पेन टू इनल, और तीसरा है आपका टू मिथाइल ब्यूट टू इनल ब्यूट टू इनल, एंड फोर्थ है आपका पेन टू इनल। ओके? तो इस तरह से आपके क्या होंगे, चार प्रकार के प्रोडक्ट आपको प्राप्त होंगे, ये मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट वन इज केनिजारो रिएक्शन। केनिजारो रिएक्शन आपका बेसिकली क्या है, यहाँ पर एल्डिहाइड की अभिक्रिया ही हो रही है और इसमें आपका वहां पर एल्कोहल आपको बनता हुआ दिख रहा है। एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होते हैं उनकी ये अभिक्रिया, ठीक है। एल्डोल कंडेंसेशन आपने किसके लिए कराया, जहां पर अल्फा हाइड्रोजन आपका उपस्थित था, चाहे वो क्रॉस एल्डोल की बात करें या एल्डोल की बात करें, उनमें आपका अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित था। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन आपका उपस्थित नहीं है, तो इसकी अगर किसी कॉन्सेंट्रेटेड बेस की प्रेजेंस में इसको गर्म किया जाता है तो यहाँ पर होता क्या है, स्व ऑक्सीकरण और अपचयन होता है, सेल्फ ऑक्सीडेशन होगा और रिडक्शन होगा, और जिसके बाद आपको एल्कोहल बनता हुआ दिखेगा और साथ ही आपका एक और कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म होता है। ठीक है ना? सो एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होते, वे सांद्र क्षार की उपस्थिति में गर्म करने पर स्व ऑक्सीकरण व अपचयन प्रदर्शित करते हैं। एल्डिहाइड का एक अणु अल्कोहल में अपचयित होता है। ठीक है? एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल लिए हैं तो एक मॉलिक्यूल आपका क्या हो रहा है, एल्डिहाइड में आपका रिड्यूस हो रहा है, अपचयित हो रहा है, और दूसरा जो मॉलिक्यूल है आपका, दूसरा अणु कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण में, ठीक है ना, क्या हो रहा है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का एक लवण है, जैसे पोटेशियम फॉर्मेट आप इसे कह रहे हो, तो उसमें क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। यानी एक मॉलिक्यूल तो आपका यहाँ पर रिड्यूस हो गया मिथेनॉल में, जो कि एल्कोहल है आपका, और दूसरा जो मॉलिक्यूल था एल्डिहाइड का, वो क्या हो गया है, यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो गया है, किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड के
किसी भी लवण। क्लियर है? तो ये आपका क्या है, कैनिजारो रिएक्शन है। नेक्स्ट है आपका कॉलवे वैद्युत अपघटन। इस अभिक्रिया में बेसिकली आप यूज कर रहे हैं किसको बनाने के लिए, आपका एक हाइड्रोकार्बन यहाँ पर फॉर्म हो रहा है कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्षार धातु लवणों का। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्षार धातु लवण है, इनके का वी कार्बोक्सिलन पर हाइड्रोकार्बन बनते हैं। वी कार्बोक्सिलन किया जाता है और उसके बाद आपको क्या बनते हुए दिखेंगे, यहाँ पर हाइड्रोकार्बन बनते हुए दिखेंगे। लास्ट सेशन में मैंने वी कार्बोक्सिलन में आपको बताया था कि एक्चुअल में है क्या, जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या जो है अम्ल के एल्किल समूह में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या के 2 गुनी होती है। ठीक है ना, क्या कहा गया है इसमें, जो ये आपका जो भी कंपाउंड है, ठीक है ना, इसमें जितने एल्काइल समूह है, एक ही है मिथाइल ग्रुप है तो एक कार्बन है, इससे दुगनी संख्या में यहाँ पर कार्बन होंगे। यहाँ पे 2 कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं, इथेन बन रहा है तो मिथ से इथ बन रहा है, डबल हो रहा है, यही इस रिएक्शन में बताया गया है, जिसको कॉल्वे इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। ये सारी रिएक्शन आपकी क्या है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका हेल वोलार्ड जिलेस्की रिएक्शन। हेल वोलार्ड या फोलार्ड जिलेस्की रिएक्शन इसको कहा जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन आर हेलोजिनेटेड एट द अल्फा पोजिशन गिविंग अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन और ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेड फॉस्फोरस। ठीक है, बेसिकली क्या किया जा रहा है, ये हम पढ़ रहे हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल की जो रासायनिक अभिक्रिया है वो। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड लिया आपने, एक ऐसा एसिड लिया जिसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है। ठीक है, तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा कार्बन से आपका हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो अल्फा हाइड्रोजन है इसमें, 2 हाइड्रोजन है वहां पर। ठीक है, अल्फा पोजीशन पर, तो उसका हेलोजिनेशन कराया जाता है, उस पर हेलोजन को जोड़ा जाएगा, ग्रुप 17 का कोई एलिमेंट, क्लोरीन ब्रोमीन इनकी बात की जा रही है, और किसकी प्रेजेंस में किया जा रहा है, रेड फॉस्फोरस की उपस्थिति में यह अभिक्रिया हो रही है। और तब क्या होगा, यहाँ पर इस अल्फा पोजीशन पर आपका क्या आ गया, एक्स आ गया, एक्स यानी कि कोई हेलोजन आ गया है, जो कि आपका क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी हो सकता है, जो भी आपने लिया होगा, इसी को आपका क्या कहा जा रहा है, हेल वोलार्ड जिलेस्की रिएक्शन कहा जा रहा है। और आपका अल्फा पोजीशन पर हेलोजन है कोई, अल्फा हेलो, सपोज क्लोरीन आ गया तो आप क्या बोलेंगे, अल्फा क्लोरो। ठीक है, अगर ब्रोमीन आ गया तो ब्रोमो, तो वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर बना हुआ है, जितने भी उसमें कार्बन है उसके अकॉर्डिंग आप नाम ले लेंगे, तो वो कंपाउंड आपका फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है आपका गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। ये रिएक्शन मैंने आपको होमवर्क में दी थी कि आपको पढ़ना है। इस रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, थैलेमाइड प्रिपेयर्ड विद इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूसेस पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड व्हेन हीटेड विद एल्काइल हैलाइड फॉलोड बाय एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस फॉर्म द कॉरेस्पॉन्डिंग प्राइमरी अमाइन। ओके, तो किसको बनाने की अभिक्रिया है आपकी, ये है आपका प्राइमरी अमाइन को बनाने की अभिक्रिया। ठीक है, गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण, गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण यह अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में होता क्या है आपका, इस अभिक्रिया में थैलेमाइड आपका किससे अभिक्रिया करा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करे। ठीक है ना, जिसके बाद आपका पोटेशियम थैलेमाइड बनता है। इस अभिक्रिया में थैलेमाइड KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके पोटेशियम थैलेमाइड बनाता है। ठीक है, जिसका कि क्या होगा, अभी यहां पर जल अपघटन आपने बोला, जो एल्काइल हैलाइड से अभिक्रिया करके एन एल्काइल थैलेमाइड बनाएगा और फिर उसका अपघटन होगा, जल अपघटन। ठीक है ना, जो एल्किल हैलाइड
से अभिक्रिया करके एन एल्किल हेलेमाइड बनाता है और जल अपघटन पर क्या देगा? इस एनएल्किल हेलेमाइड के जल अपघटन से जिसके जल अपघटन पर प्राथमिक एमीन बनते हैं। ठीक है, चलो थैलेमाइड आपका क्या होता है? ये आपका थैलेमाइड हो गया। ठीक है, इस थैलेमाइड की अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाएगी। ठीक है, क्यूएच से कराई जाएगी। तो ये आपका बनेगा। ठीक है, पोटेशियम थैलेमाइड बन गया आपका। देन इस पोटेशियम थैलेमाइड से आप क्या करेंगे? किसी एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया करेंगे, तब आपका एन एल्किल थैलेमाइड बनेगा। ओके, और उसका जल अपघटन कराने पर आपको प्राथमिक अमीन प्राप्त हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आपने किसी एल्काइल हैलाइड से इसकी अभिक्रिया करा दी, सपोज आर एक्स है आपका। ठीक है, तो इस पोटेशियम की जगह क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। ठीक है, ये एन एल्काइल आपका क्या हो गया? थैलेमाइड हो गया, ये बन जाएगा। अब इसका जल अपघटन करेंगे आप लोग, तो इसके जल अपघटन करने पर प्राइमरी अमीन आपको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर N के साथ आपका क्या आ जाएगा? O, जो डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, Na पॉजिटिव। ठीक है ना, इस प्रकार से। तो ये आपका प्राइमरी अमाइन को बनाने की अभिक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट अभिक्रिया है आपकी हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, कार्विल अमीन, हिंसबर्ग और कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, ये चारों आपको होमवर्क में करनी है, एक बार प्रिपेयर, देन आने वाले सेशन में हम इन्हीं पर बात करेंगे और बहुत अच्छे से इन रिएक्शन को समझेंगे और कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम लोग आएंगे जो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। इनको बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। जैसे मैंने आपको बताया है कि एक नोटबुक अलग से बना लीजिए जिसमें सिर्फ नेम रिएक्शन आप लोग प्रिपेयर करेंगे, अपनी तैयारी करेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे। एक पेज में जैसे आपने लिख लिया है, उसके बाद चार पांच पेज आप छोड़ देंगे, फिर लगातार उनमें प्रैक्टिस करेंगे एक ही रिएक्शन की। ठीक है ना, जैसे हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन आप कर रहे हो, तो एक पेज में पहले लिख लिया, फिर उसके बाद आने वाले जो चार पांच पेजेस हैं उनमें आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे खुद से। ठीक है, तो आपको ये आ जाएगा। चलिए, बाकी आपका कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।